इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इंडिया टीवी पर चुनाव मंच सज चुका है। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव का आज सेमीफाइनल है। जी हां, पंचायत अध्यक्ष चुनाव के ट्रेलर से ये पता चलेगा कि लखनऊ की लड़ाई में बीजेपी और साइकिल की रेस में कौन आगे है। हम इस पर बात करेंगे आज इंडिया टीवी पर। यूपी चुनाव से जुड़े हुए तमाम बड़े चेहरे शामिल होंगे, इस चुनाव मंच पर आएंगे। हमारी चर्चा जिस राज्य उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हो रही है, दरअसल उसकी राजनीति के केंद्र में जाति होती है। यह कड़वी सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश के सारे सियासी समीकरण जातीय गोलबंदी के इर्द गिर्द बुने जाते हैं और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा तबका पिछड़े समुदाय से आता है। अब सवाल यह है कि क्या पिछड़े तबके के जो वोटर्स हैं, वही उत्तर प्रदेश का अगला सीएम तय करने जा रहे हैं। हम इसके मायने समझने की कोशिश करेंगे और पिछले दिनों में जो अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से इस पर राजनीति हुई है या जो बयान आए हैं, उसके इर्द गिर्द भी हमारी चर्चा होगी आज दिन भर चुनाव मंच पर। और इसी बहस में आज हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं कि जो पिछड़ा वर्ग का वोटर है, क्या वो किंग मेकर की भूमिका निभाने वाला है। कभी बीजेपी के सहयोगी रहे सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ आज के कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। बीजेपी के मौजूदा सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद हमारे साथ होंगे और आगरा से बीजेपी सांसद एसपी बघेल साहब भी हमारे साथ होंगे। और हमारा मुद्दा, क्या पिछड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश में बनेगा किंग मेकर। तो हम सीधा रुक कर लेते हैं, हमारे जो तीनों मेहमान हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ा सवाल आप ही से सबसे पहले। अच्छा राजभर साहब थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन निषाद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। निषाद जी, आजकल हम लगातार सुन रहे हैं कि बहुत सारे प्रेशर टैक्टिक्स आप अपना रहे हैं, चाय पर भी बुलाया जाता है, अंदाज भी आपका कुछ बदला बदला नजर आता है, क्या आप डिप्टी सीएम बनने वाले हैं? देखो, मेरा सवाल तो निषाद राज के वंशज रहे। हम लोगों ने तो राम को अपनी सेना दे के श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया। 70 साल से मेरे समाज के लोगों ने तो कांग्रेस को बैठाती रही, सपा बसपा को। 2014 में 17 फरवरी 2014 को 1 लाख लोगों के साथ सीएम हाउस घरवाया। तो देखो, कांग्रेस और बसपा साफ हो गई और सपा हाफ हो गई और भाजपा माफ हो गई। जब से मैं आया हूँ बहुत ज्यादा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में है। 2015 में जिला पंचायत किस तरीके से हो गया, 2017 में चुनाव लड़ लिया, एक विधायक मेरा बना 72 सीटों में, 4,000-3,000 वोटों से सपा बसपा हार गए। मैंने 72 सीटों में 6.5 लाख वोट पाया हो। 2018 में गोरखपुर चुनाव लड़ा, दो दो मुख्यमंत्री हार गए, गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर, देख लीजिए कैसे रहा। 2019 में मैं मोदी जी के साथ आया, सपा बसपा एक हो गई, फिर भी डॉक्टर संजय हो गए। आज 40 MP दिल्ली में कहते हैं कि डॉक्टर संजय और निषाद पार्टी की तरह का हम MP बने हुए हैं, वकालत कर रहे हैं। तो हम लोग तो किंग में कर रहे हैं ना। हमारा समाज तो पौआ भर वोट वाले को गद्दी पर 40 साल से बैठा रहा है, वो पॉलिटिकली ट्रेंड हो गए, आज पावर में हैं और पैसा उनके पास हो गया। आज झगुआ भर वोट पर पौआ पिला रहे थे 70 साल से, मैंने उन पर निषाद पार्टी का लेवी लगा दिया। अब झगुआ भर वोट हमारे अखाड़े के पहलवान गाँव में घूम रहे हैं, अखाड़े के पहलवान हमारे गांव पर कूद पर हैं। हमारे अखाड़े के पहलवान नहीं होते तो 40 सीट भाजपा नहीं जाती। अखाड़े के पहलवान आ गए तभी सपा बसपा कांग्रेस खत्म हो गए। तो अभी हमारे अखाड़े के पहलवान डॉक्टर संजय को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। वो तो सलाह दिया भारतीय जनता पार्टी को मित्र की हैसियत से कि 2014 में मेरा समाज कभी कांग्रेस से नाराज हो गया। जी, बड़े बड़े सियासी पहलवान तो पहले से ही बीजेपी में भी शामिल है, आप केशव प्रसाद मौर्य को क्यों भूल जाते हैं? वो तो पहले से ही डिप्टी सीएम बने हुए हैं। स्वतंत्र देव सिंह है, उनका भी एक कद है, और भी बड़े नेता हैं। आपको क्यों लगता है कि ये जो पिछड़ा वर्ग है, जो निषाद जाति समुदाय है, ये आप ही के साथ खड़ी हुई है, और अगर आप बीजेपी से अलग हो जाते हैं तो उनकी शक्ति कम हो जाएगी? पहली बात तो मैं पिछड़ा में हमारा नाम तो 1992 से मैं जबरदस्ती डाल दिया। 1992 से पहले हम लोग अनुसूचित जाति की सूची में अभी भी सूचीबद्ध है। राष्ट्रपति ने लिख रखा है कि मझवार, गौर, तुरैया, करवार, बिदार, फरूट, कोली, ये 7 नामों से 7 समूह है। केवट, मल्ला, मझवार की पर्यायवाची जातियां।
हम अनुसूचित जाति की सूची में आते हैं, मेरी फाइल को कांग्रेस ने गायब करा दिया इसलिए गायब हो गए उत्तर प्रदेश से। हम अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट लेने के लिए लड़ाई लड़ा, हम पिछड़े में नहीं है। पिछड़े में तो हमारा नाम धोखे से डाल दिया, वो कैप्सूल लगा दिया और पिछड़े में बंटवारे की बात करते हैं। हम राष्ट्रपति द्वारा लिखे आज संविधान में सुरक्षा है तो दलित भाई की माँ के कोख से पहले हर बाप पैदा होते थे, उस आरक्षण की देन अब हाकिम पैदा होते हैं। मैं इसी लड़ाई में हूँ कि कभी यादव भाई की माँ के कोख से 1992 से पहले चरवा पैदा होते थे, आज कलम चला प्रदेश चलाने वाले डॉक्टर संजय निषाद पार्टी का जन्म इसीलिए हुआ कि निषाद समाज के साथ हाथ में कलम आए, मुख्यमंत्री बने चाहे उप मुख्यमंत्री बनाए, वो भाजपा को तय करना है कि डॉक्टर संजय को चेहरे को उप मुख्यमंत्री बनाने से फायदा होगा तो करेंगे। 2022 में निषाद समाज के माँ के कोख से अब बेहाल नहीं पैदा होंगे, मजदूर कमजोर नहीं होंगे। आज मौर्या जी मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री, 5-4 साल से कोई मौर्या रोड पर नहीं आया, इसके मतलब मौर्या के समाज का समस्या संविधान। ठीक है संजय जी, हमने आपकी पूरी बात सुन ली, लेकिन आप तो अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं। जी जी, मेरी बात सुन लीजिए, कुर्मी समाज, मेरी बात सुन लीजिए, कुर्मी समाज आज 4 साल से कभी रोड पर नहीं आया, इसके मतलब संविधान से उसे मिला है। लेकिन निषाद समाज आज 70 साल से नहीं, 2000 वर्ष से कभी मुगलों से लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा, आज 70 साल से कांग्रेस सपा बसपा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप अगर अपने वर्ग की मांग को लेकर मुखर हो रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन संजय निषाद जी, अब क्योंकि सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी भी जुड़ गए हैं, राजभर जी, निषाद, संजय निषाद जी ये कह रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं बीजेपी के साथ जाकर, क्योंकि वो ये जानते हैं कि वो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं और उनकी ये ताकत है कि भारतीय जनता पार्टी उनको उचित सम्मान देगी, डिप्टी सीएम का पद भी दे सकती है। 70 साल से किसी ने नहीं दिया, नहीं सपा बसपा ने नहीं दिया। अब ओम प्रकाश जी को हम सुन लेते हैं। संजय जी, संजय भाई ने अपनी बात, तो मैंने उनकी बात तो सुन लिया। अब वो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जब समय आपको मिले तब आप बोलिएगा। 2019 में माननीय संजय जी, संजय निषाद जी बीजेपी के साथ गए आरक्षण लेने के लिए। 40 सांसद, जैसा आपका कहना है कि 40 सांसद हमने जितवा दिया, लेकिन 2 साल तक आरक्षण के सवाल पे कोई चर्चा पर चर्चा नहीं। ये आस लगाए बैठे रहे कि अब होगा तब होगा, 2 साल बीत गया, अब चुनाव 2022 का आ रहा है, तब बुला करके चाय पिलाई जा रही है, समझाया जा रहा है कि सरकार बनाओ देखा जाएगा। दिल्ली से लेके लखनऊ तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 72 घंटे में गरीब सवर्ण को आरक्षण बीजेपी ने 72 घंटे में अगर दे दिया तो फिर इनको निषाद बिंद केवट मल्ला माझी मझवार राजभर बाल प्रजापति चौहान को जो आरक्षण एससी में देने की बात भाई कर रहे हैं, ये कितने साल लगेंगे? क्या इन्होंने बीजेपी से पूछा कि 72 घंटे में अगर गरीब सवर्ण को दे देते हो तो हमको कितने दिन में दोगे? चुनाव तक मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? खाली वोट दिलाने के लिए हम रहेंगे? सच्चाई ये है कि बीजेपी जब तक अटल जी थे तब तक भारतीय जनता पार्टी थी, जब से गुजरातियों का कब्जा हो गया है तब से भारतीय झूठ पार्टी हो गई है। इस नाते कि ये 52% 2011 की जनगणना के आधार पे 52% पिछड़ों की आबादी, और पिछड़ों में 43% अति पिछड़ा है, इसमें निषाद बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान पाल प्रजापति कुमार नाई अर्कवंशी बारी बंजारा ये तमाम जातियां इसमें आती हैं जो अति पिछड़े लोग हैं। ये कभी कांग्रेस, कभी सपा, कभी बसपा, कभी भाजपा, इनके नेता ले जा तो फिर ये नेता चुप हो जाते हैं। 2 साल से दिल्ली में 19 में सरकार बनी, 2 साल हो गया, अभी हमारे बड़े भाई संजय जी कह रहे हैं कि आरक्षण बीजेपी देगी। अरे कब देगी भैया, इसको जरा बीजेपी के भाई जेपी नड्डा के जाके आप मिलते, उनसे जरा पूछ लो, अमित शाह जी से मिलते उनसे पूछ लो, योगी जी से पूछ लो कि कब तक मिलेगा। हम तो गए, 2 साल रहे, हमारे साथ जो वादा उन्होंने किया कि हम घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे, नहीं किया। हमसे वादा किया था बीजेपी ने कि गरीबों को निःशुल्क इलाज देंगे, नहीं किया। हमसे वादा किया था सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, नहीं किया। हमसे वादा किया था कि प्रदेश में हम भाईचारा पैदा करेंगे, नहीं किया।
हम तो साथ छोड़ के चले आए, और बीजेपी ने जनता के सामने वादा किया था महंगाई कम करेंगे। आज उठा के देखिए, आज के तारीख में सरसों का तेल 250 रुपया, 60 रुपया से बढ़ के 250, अरहर की दाल 50 रुपया से 150 रुपया, पेट्रोल 60 रुपया से 100 पार कर गया, डीजल 50 रुपया से 90 रुपया हो गया। ये महंगाई आसमान पे छू रही है, लेकिन अभी ये बीजेपी को दिखाई नहीं दे रहा है। जब ये सत्ता से बाहर रहते हैं तब इनको दिखाई देता है, जब ये सत्ता में आ गए हैं, दिल्ली से लेकर यहाँ तक है, इनके नेताओं को मोतियाबिंद हो गया, महंगाई नहीं दिखाई दे रही है। चलिए, महंगाई के मुद्दे पर भी हम राजभर जी चर्चा करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों की हम क्योंकि बात कर रहे हैं, संजय निषाद साहब ने अपना पक्ष रख लिया, आपने भी रख लिया, एसवी बघेल साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका बघेल साहब। अब एक आंकड़ा जो मैं देख रही हूँ, मैं उस आंकड़े को बताकर फिर अपने मूल सवाल पर आऊंगी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक गजब का करिश्मा किया, 86 रिजर्व सीटों में से 68 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। उस वक्त तो निषाद पार्टी भी आपके सहयोग में खड़ी हुई नहीं थी। अब इन 5 सालों में ऐसा क्या हो गया बघेल साहब कि निषाद पार्टी भी आप पर दबाव बना रही है? संजय निषाद जी कह रहे हैं कि हमें डिप्टी सीएम का पद चाहिए, राजभर जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी डूबती नैया है, ऐसा 5 साल में क्या हो गया? निश्चित तौर से चुनाव से पूर्व में दबाव की राजनीति होती है, दूसरा भय भगदड़ और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। मैं दोनों नेताओं को सुन रहा था, पिछड़ा एक वर्ग है, पिछड़ा एक जाति नहीं है, और लोग अपने अपने कबीलों के सरदार हैं। चौधरी चरण सिंह अकेले थे जो सवर्ण जाति में पैदा हुए थे, लेकिन पिछड़ों के नेता थे। उसके बाद माननीय कल्याण सिंह जी ओबीसी के हिंदू हृदय सम्राट भी हुए, गुड एडमिनिस्ट्रेटर भी हुए, और पिछड़ों के भी नेता हुए। जो राजभर जी हैं कोशिश कर रहे हैं कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, लेकिन राजभर समाज पूर्वांचल में है। हम दोनों कैबिनेट में साथ में थे, मैं कोई तीखी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सारा राज ओम प्रकाश जी पर वोट है तो सुखदेव उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी राज्य के स्पीकर रहे हैं, रामचल राजभर जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, उत्तराखंड के भी अध्यक्ष रहे हैं और प्रभारी रहे हैं, अनिल राजभर इस समय योगी जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। तो अब ये तो तय करो कि समाज किसके साथ है। मैं निषाद जी पर कुछ नहीं करना चाहूंगा, लेकिन लोधी कश्यप निषाद एक महासंघ कल्याण सिंह जी ने बनाया था, उमा भारती भी वर्ग से आती हैं, कल्याण सिंह जी आते हैं, राजू भैया होते हैं, साक्षी महाराज होते हैं, साध्वी निरंजन ज्योति की रहती है उत्तर प्रदेश कैबिनेट में, जयप्रकाश निषाद जी हैं। तो समझ में नहीं आता कि सारे लोग कहाँ पर हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपका लोगो 2007 में पिछड़ों ने बंद होकर के हैसियत ऐसी माने ब्राह्मण समाज की हो गई। इसके बाद 2012 में अखिलेश जी की भी स्थिति पूर्ण बहुमत की नहीं थी, लेकिन जब अति पिछड़ा और उनके साथ तो यादव था, सब लोग लामबंद होकर के वोट डाले, तो ये स्थिति आ गई कि भाजपा 50 से कम हो गई और उनकी पूर्ण बहुमत की 220 के आसपास की सरकार बनी। 2014 में खास तौर से उस समय में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज उनकी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात मॉडल पर हम लोग आशा रख रहे थे, लेकिन जिस दिन उनका ये बयान आया था कि वो भी पिछड़े समाज के हैं, उसके बाद गाँव का पिछड़ा साइकिल लेकर के प्रचार में निकल पड़ा और 2014 में उत्तर प्रदेश में 80 में से 73 एमपी आए, फिर 2017 में 300 और उसके बाद 2019 में 63 एमपी आए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि विश्वविद्यालय में अगर आप परीक्षा दे रहे हैं और 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, और 3 आपको आते ही नहीं है, तो 2 क्वेश्चन से आप पास हो सकते हैं, आप डिस्टिंक्शन नहीं ला सकते। तो मेरा कहने का मतलब है अगर 7 में अखिलेश यादव की पिछड़ों ने, सॉरी मायावती जी की, 12 में अखिलेश
जो जीतना 17 में भाजपा की, 19 में भाजपा की, तो इस प्रकार से प्रचंड बहुमत नहीं मिलता क्योंकि 50 के आसपास वो लोग हैं और अति पिछड़ा, जैसे राजभर जी कह रहे थे, एक बहुत बड़ा समुदाय है। लेकिन ये होता है कि अक्सर बड़ी जातियों का नाम पत्रकार लोग रहते हैं, लेकिन जैसे अगर हम यादवों की जाति को हटा दें तो अति पिछड़ा वर्ग के 40-42% वोट बैंक बहुत मजबूत वोट बैंक है और विडंबना यह है कि ये कभी कंसोलिडेट होकर एक जगह गया ही नहीं और इस वजह से इस बिखराव को शायद इस बार के चुनाव में एक तरफ करने की कोशिश हो रही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या संजय निषाद जो मांग कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम का पद उन्हें मिलना चाहिए, क्या पार्टी में चर्चा हो रही है ऐसा होगा? मैं मीनाक्षी जी आपसे सहमत नहीं हूं कि ये जो 42% मतदान है ये बिखरा हुआ था। मैंने कहा कि 42% माने 10 में से 4 क्वेश्चन, मैं आपकी मदद नहीं की तो आपने टॉप कैसे किया? साथ में इसी 42% ने अगर अखिलेश यादव मायावती जी को नहीं दिया तो बहुमत कहां से आ गया? क्या उनकी हैसियत थी? और दूसरा एमएलए जिताने की, 12 में अखिलेश को ढंग से साइकिल चलाना नहीं आता था, उसके 230 एमएलए आ गए, 14 में हमारे 73 एमपी आ गए, 17 में 300 से ऊपर आ गए। तो 40-42% ने मतदान अगर लामबंद के नहीं किया होता तो ये चौंकाने वाले परिणाम जो पिछले 5 चुनाव लहर के चुनाव हुए हैं उस लहर को बनाने में निश्चित सबसे अति पिछड़े की बहुत बड़ी भूमिका है। यादव को हटा दें तो और जाट है, लेकिन इस बार संत गंगवार हैं, सचान हैं, अपने पटेल हैं, कुमार सैनी है, पाल बघेल है, जी जी दी, उसी के साथ तेली है, तमोली है, चौरसिया है, नाई है। आइए मूल सवाल पर आइए, क्या मूल सवाल है? संजय निषाद जी को डिप्टी सीएम का पद देने की चर्चा विद इन द पार्टी चल रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि संजय निषाद जी जो जात क्षेत्र वर्ग अपने हक और हकूक की लड़ाई नहीं लड़ता वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। वो मांग रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का हाई कमान तय करेगा कि किसको डिप्टी सीएम बना रहे हैं और किसको नहीं बना रहे हैं, किसको मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं। लेकिन चलो ये तो खुशी है कि अति पिछड़ों के मुंह में जुबान आ गई है और जुबान तीखी आ गई है और अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए वो उत्साहित है। ये अच्छी है, ये अच्छी बात है और दबाव की राजनीति भी कर तेज तरार और धारदार तीन नेता अभी हमारे सामने बैठे हुए हैं, पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है जो बात आप बघेल साहब आप कर रहे हैं। लेकिन राजभर जी जो फॉर्मूला आप लेकर आए ना, आज तक के राजनीतिक इतिहास में इस तरीके का फॉर्मूला ना कभी हमने देखा ना कभी हुआ। आप 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बना रहे हैं, 4 डिप्टी सीएम बना रहे हैं एक साल में, ये कैसे संभव होगा? आप खुद मुख्यमंत्री बन रहे हैं यानी? उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने रिहर्सल किया 6-6 महीने का मुख्यमंत्री का। 325 सीट जीतने के बाद भी बीजेपी ने यूपी में 2 डिप्टी सीएम बनाया, बिहार में 3 बनाया, आंध्र प्रदेश में 5 डिप्टी सीएम है। तो हमने देखा कि जब ये बड़ी बड़ी पार्टियां 6-6 साल के लिए समझौता कर सकती हैं तो जो हम अति पिछड़े समाज के लोग हैं ये हम क्यों ना 1-1 साल के लिए समझौता कर लें। इस नाते हमने फार्मूला दिया कि 5 साल में 5 डिप्टी सीएम होंगे, 4 डिप्टी सीएम होंगे, कोई बंजारा होगा, कोई पाल होगा, कोई बहेलिया होगा, कोई अग्रवंशी होगा, कोई प्रजापति होगा, कोई इस तरह के हर जातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो ये कौन सा बुरा हम लोगों ने कर दिया फार्मूला? ये तो बसपा और बीजेपी ने रिहर्सल किया हुआ है, उसी को हमने थोड़ा 6 महीने से बढ़ा के साल भर कर लिया है। और दूसरा सवाल आपको बता दूं, अभी हमारे बड़े भाई हैं एसपी बघेल जी, पहले तो उनको हमारा ओम प्रकाश राजभर का नमस्कार हो। दूसरी बात की एसपी बघेल जी का सर्टिफिकेट अनुसूचित जाति का बन जाएगा धनगर का, लेकिन इनकी बिरादरी का और पाल बघेल जो है उनकी अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। ये टुंडला से विधायक बन जाएंगे धनगर सर्टिफिकेट पर, ये सांसद बन जाएंगे शेड्यूल कास्ट के सीट पर सर्टिफिकेट बनवा करके, लेकिन अपने समाज के समाज को धनगर जाति का प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए एक बार भी दिल्ली से लेके लखनऊ, लखनऊ भी थे दिल्ली संजोग से ये सांसद हो गए हैं और दिल्ली में भी इन्होंने इस बात को मजबूती से नहीं कही। सुनाते चाहे पाल हो, चाहे चौहान हो, बिंद हो, केवट हो, मल्ला हो, राजभर हो, चौहान हो, बिंद हो, प्रजापति हो, कुशवार बंसी हो, बारी हो, बंजारा हो, बहेलिया हो, ये जो 43% आबादी के लोग हैं, अगर हम राजा हैं किसी को बना सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही राजभर जी कि आप अगर किंग बन सकते हैं तो किंग मेकर बनने की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? तो फिर निषाद जी क्यों आपके साथ नहीं आ पा रहे हैं? मैंने तो सुना कि आप निमंत्रण तो दे रहे हैं निषाद जी को।
कि आओ हमारे साथ, नंबर यहाँ लगा हुआ है, भागीदारी संकल्प मोर्चा बना है, हमारे 10 दल हैं, आप भी आ जाओ इसी में। आपको भी सीएम हमने तो उस दिन कहा कि आओ हम आपको पहले ही बना देंगे, लेकिन हमारी बात भाई वहां जाके डिप्टी सीएम के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, हम यहाँ सीएम बनाने के लिए परेशान है कि आओ निषाद बिंद केवट मल्ला माझी मजवार गुड़ी गुड़िया तो रही ये तमाम जाति के लोग आओ हमारे साथ। मैं देखिए संजय निषाद जी यहीं बैठे हुए हैं, मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ। संजय जी आप क्यों प्रेशर पॉलिटिक्स में पड़े हुए हैं, आप डिप्टी सीएम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जब राजभर जी कह ही रहे हैं कि वो आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, पहले ही साल में आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। पहले तो मैं राजभर भाई को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं सुझाव दूंगा कि हमेशा मर्यादित शब्दों का प्रयोग करूँ। हम गिड़गिड़ा नहीं रहे हैं, हम दहाड़ रहे हैं, उनको सुनाई नहीं देता न समझ में आता है। हम गिड़गिड़ा नहीं रहे, हम कुछ मांगे नहीं कभी भाजपा से, ना हम कभी कुछ मांगा नहीं। मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा अच्छी है, तभी उसने योगी आदित्यनाथ ने सदन में बोला था जब मुख्यमंत्री से तब बोला, जब 2019 में आए तो विशेषज्ञ हाल में सारे निषादों को इकट्ठा करके उन्होंने बोला कि भाई आपके आरक्षण की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, बीच में सपा और बसपा बीच में पड़ी हुई है कांग्रेस। तो मैं वही कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा अच्छी है, तभी तो योगी जी बोले हैं। अब वो वीडियो वायरल है तो योगी जी के जो बात पर है बट्टा लग रहा है, उनके ऊपर जो नाजुकन लग रहा है, जो कहते हैं करते नहीं है, हम गिड़गिड़ा। तो ये तो समझ में आ रहा है कि अब याचना नहीं रण होगा और भीषण होगा, प्रचंड होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बघेल साहब, राजभर साहब और साथ ही निषाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ हमें एक छोटे से जी आप बघेल साहब कुछ कह रहे हैं। राजभर जी का फार्मूला है कि एक साल एक सीएम होगा, दूसरे साल दूसरा, इनके अनुसार तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे पांच डिप्टी सीएम होंगे। एक सीएम आएगा डीएमएसपी की पोस्टिंग करेगा, ज्यादातर अपनी जात का करेगा, दूसरा आते ही सबसे पहले हटाएगा, फिर तीसरा आएगा रखेगा, चौथा उसको हटाएगा, पांचवा रखेगा, छठवा, ये डिप्टी सीएम साफ करेंगे। तो क्या सुबह ऐसे चलता है क्या, राज्य ऐसे चलता है क्या, कोई सरकार ऐसे चलेगी? जहाँ तक दंगल आरक्षण की आप बात कर रहे हो, उत्तर प्रदेश सरकार ने ही शासनादेश जारी किया है, बने भी हैं और मेरा अकेला नहीं बना हुआ है। दंगल सर्टिफिकेट पर पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम प्रधान जीत के आए हैं, जिला पंचायत सदस्य जीत करके आए हैं, ब्लॉक प्रमुख जीत के आए हैं, समय टूंगला में मेरे दंगल प्रमाण पत्र पर ही विधायक जीत करके आए हैं, जिला पंचायत सदस्य माधपुर में भी दंगल प्रमाण पत्र पे है, फतेहाबाद का ब्लॉक प्रमुख भी है। ठीक है, मुझे अपनी इस चर्चा को यहीं पर यहीं पर विराम देना पड़ेगा। कुंडा जोड़ा ये भानुवती के कुंभले कुंडे की सरकार ओम प्रकाश राजभर के में नहीं चल पाएगी। पांच सीएम बनाना चाहते हैं, यही 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 जो विंडो में हो रहा है ना, ये तीन जो ढांचे बने हुए हैं, एक ही समाज से एक ही पिछड़े वर्ग को का प्रतिनिधित्व करने वाले एक दूसरे के साथ बोल रहे हैं, तो जनता सुनेगी किसे और समझेगी किसे? बघेल साहब, बघेल साहब पूरे नेता नहीं है और पिछड़ों के बनने के तो सपने देख रहे हैं। अगर इन पर सारा वोट है तो अनिल राजभर पर क्या है, सुखदेव राजभर पर क्या है, रामचंद्र राजभर पर क्या है? स्वयं आप अपने आप अपनी जात के नेता बनते रहो तो बनते रहिएगा। पांच सीएम देंगे ये पांच साल में, पांच डिप्टी सीएम देंगे। समझ गए बघेल जी, अब राजभर जी को जवाब देने का मौका देंगे और बोलो वोटों का बंटवारा कर दें। राजभर जी सीधी बात यह है कि अगर पांच मुख्यमंत्री बन जाएंगे, 20 डिप्टी सीएम बन जाएंगे, तो फिर मंत्रियों की जरूरत क्या है? फिर मंत्रियों की जरूरत ही क्या है? सीएम और डिप्टी सीएम मिलकर ही सरकार चला देंगे। नहीं, एक सीएम आएगा अपने जात के रखेगा इनके अनुसार, दूसरा आते सबसे पहले उनको हटाएगा, अब राजभर जी रखेगा, फिर तीसरा आएगा उन दोनों को हटा देगा, चौथा आएगा वो चार को हटा देगा। राजभर जी अपना जवाब दें। समिति की रिपोर्ट लागू करेगा, उत्तर प्रदेश में भाईचारा पैदा करेगा, उत्तर प्रदेश में जो गरीब कमजोर पिछड़े दलित वंचित हैं, जिनको आवास नहीं मिला बीजेपी की सरकार में भी, तो 20,000 रुपया ले रहे आवास का, उनको प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी योजना है। अगर 100 शौचालय बने हैं तो 80 पिछड़े के बने हैं, 100 मकान है तो 80 पिछड़े के हैं, अगर आयुष्मान के कार्ड 100 है तो उसमें 75 अति पिछड़ों के हैं। देखिए यही यही जो इस वक्त इस चर्चा में हो रहा है ना, यही उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों की राजनीति में भी दिखाई देता है। कहने तो सब मुद्दे सबके एक ही हैं, लेकिन राजनीति इतनी ज्यादा हावी होती है कि बात पिछड़े वर्ग के विकास से दूर होकर अपने अपने प्रतिनिधित्व को मजबूत करने की राजनीति में तब्दील हो जाती है। हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्या योगी प्लस केशव
मिलकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को दिलाएंगे 300 सीटें। योगी के केशव का क्या है गेम प्लान, बताने के लिए इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, एक्सक्लूसिव एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।